तो दोस्तों, हमने BSTC के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण किस जिले में है? तो आपका उत्तर होगा बारा जिले में। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। अगला सवाल है, नाहरगढ़ अभ्यारण किस जिले में है? तो है जयपुर जिले में है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो स्थित है भरतपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो आपको याद रखना है वह है घना केवलादेव। ठीक है, घना केवलादेव है जहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो वह है पशुओं द्वारा चराई। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? तो वह है उदयपुर और जयपुर जिले। किसके लिए? बेरिलियम उत्पादक के लिए। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो आपको याद रखना है वह है भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में प्राकृतिक गैस के लिए बड़े भंडार खोजे गए हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो आपको याद रखना है सीसा जस्ता। ठीक है, सीसा जस्ता में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? तो वह है बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? तो वह है खाद्यान्न का निर्यात। ठीक है, खाद्यान्न का निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो आपको याद रखना है बालू पत्थर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? नागौर में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, खो दरीबा क्षेत्र जिसके खनन से संबंधित है? तो जिसके खनन से संबंधित है वो कौन सा है? तांबा। ठीक है, खो दरीबा क्षेत्र है जो तांबे के खनन से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों राज्यों में से कौन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आपको याद रखना है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रमुख खनिज है? तो राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? सीसा जस्ता। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सर्वप्रथम लिग्नाइट पाया गया था या पाया गया है कहाँ पर? पलाना में। ठीक है, पलाना में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है कहाँ पर? पलाना में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है खेतड़ी क्षेत्र में। ठीक है, खेतड़ी क्षेत्र में तांबे की खान है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, गोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? तो वह है प्राकृतिक गैस से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है कहाँ से? अजमेर जिले से। ठीक है, क्या? 96% फेल्सपार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कांच बालुक के उत्पादक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला देखते हैं। मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राज्य के देश में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है पहला स्थान है। ठीक है, किसकी मृदा के
मुल्तानी मृदा के उत्पादन में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है मकराना में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सीसा व जस्ते की या जस्ते के सर्वाधिक भंडार स्थित है? तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर स्थित है? जावर में। ठीक है, जावर में सीसा व जस्ता के सर्वाधिक भंडार स्थित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है? तो मुख्य केंद्र कौन सा है? सांभर। ठीक है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है सांभर है जो नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहाँ पर प्राचीन नदियों के संगम है। जहाँ पर प्राचीन नदियों के संगम है वहाँ पर जिप्सम के भंडार मिलते है। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।